आगे तुम सुअर लोग आओ आओ आओ, क्या खबर है? आज एक नई बात का पता चला है बॉस। क्या? दिल्ली से मिस्टर पुरी, कलकत्ता से मिस्टर सिन्हा और जयपुर से चोपड़ा। यस सर, इनके अलावा कुछ और लोग भी रंजीत के पास आए हैं, लेकिन इसकी वजह समझ में नहीं आई बॉस। हाँ, इसकी वजह तुम्हारी समझ के बाहर है ढपोल शंखो, लेकिन हम समझ गए रंजीत उन जवाहरात को इन लोगों के जरिए ठिकाने लगाएगा। लेकिन बॉस, अगर ये जवाहरात इतनी जगह बट गए तो हम कहाँ कहाँ से हासिल करते फिरेंगे? लेकिन हरामजा दो, इन जवाहरात को बटने कौन देगा? तुम लोग सिर्फ उस बंगले पर अच्छी तरह निगाह रखो जो रंजीत ने उस बुढ़े की लड़की की शादी के सिलसिले में लिया, समझे? आप? यस मिस्टर पुरी, लेकिन आप तो ऐसे चौंक उठे जैसे जिंदगी में पहली बार पुलिस को देखा हो। नहीं साहब, पुलिस के साथ तुम्हारी पुरानी रिश्तेदारी है, चौंक कह सकता हूँ। फरमाइए क्या? आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन साहब, मुझे सेठ गोपीनाथ की लड़की की शादी पर जाना है। शादी आपके बगैर भी हो सकती है मिस्टर पुरी? हो सकती है। जी हाँ, आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। लेकिन वारंट के सिलसिले में? वो भी आपको पता चल जाएगा। इजाजत हो तो मैं जरा इसे जो कुछ भी करना हो जल्दी कर लीजिए। कर लू। अरे और क्या है, वाह जी वाह, बनने आए थे मेहमान हम सेठ गोपीनाथ के, बन गए सरकारी मेहमान। क्या तकदीर लेकर आए बोलिए आप। भैया ये तो सब उम्र वाले की माया है, शक्कर खोरों को शक्कर मिल ही जाती है। ठीक, लो लो लो, वो भी आ गए। आइए आइए पधारिए, इस बिरादरी में सिर्फ तुम्हारी ही कमी थी। माफ करना दोस्तों, आने में जरा देर हो गई और रास्ते में सरकारी जीप पंक्चर हो गई थी। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। अरे धक्का क्यों देता है, कहीं हड्डी पसली टूट गई तो? अबे तो लाख अपने अंग्रेजी बोलेगा तो धक्का ही मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आज मेरी बेटी की शादी है, घर पर बारात आने वाली है, अगर मैं वहाँ नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस स्टेशन पर आने वाला हर आदमी यही कहता है। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरा दोष क्या है? इधर आओ, चलो इधर आओ। इन लोगों को पहचानते हो? जी हाँ पहचानता हूँ, ये मेरी बेटी की शादी पे आए हुए मेहमान हैं। तो यही तुम्हारा दोष है, समझे? Yes, sir. बंद कर दो। I'm sorry, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। पुलिस का अपना एक तरीका है, अगर ये लोग बेकसूर हैं तो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन पूरी कार्रवाई होने के बाद। इसमें ना जाने कितने दिन लग जाए कमिश्नर साहब, जरूरत का मौका तो आज है। बेचारे गोपीनाथ की इज्जत का सवाल है। गोपीनाथ ही तो सबसे ज्यादा मशकूक इंसान है। मैं पूछ सकता हूँ कि उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? जी वो मेरे पिता समान है। पुलिस और कानून के निगाह में इसकी कोई कीमत नहीं। गोपीनाथ की बेटी की शादी में जितने लोग शामिल होने के लिए आए हैं वो सब पुलिस के निगाह में पहले से ही खटक में। लेकिन आपको गोपीनाथ जी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कमिश्नर साहब, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक देवता स्वरूप आदमी है। तो फिर इन तमाम लोगों के साथ इस देवता स्वरूप आदमी का क्या वास्ता? कल का एक मामूली सेब बेचने वाला आज का सेठ गोपीनाथ कैसे बन बैठा, जिसकी बेटी का ब्याह इतनी धूमधाम से रचाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है कमिश्नर साहब। उस लड़की को मैं अपनी बहन मानता हूं और एक भाई के नाते दुनिया की तमाम खुशियां उस पर निछावर कर देना चाहता। आपकी किसी भी दलील से मैं अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप अपने साथ साथ मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं। सॉरी सर, वक्त आप मेरा जाया कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है एक बाप अपनी बेटी की शादी में शरीक ना हो? आप खुद ही सोचिए, बरातियों का स्वागत कौन करेगा, कन्यादान किसके हाथ होगा? कमिश्नर साहब, गोपीनाथ जी को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये शादी रुक जाएगी, एक निर्दोष लड़की का दिल टूट जाएगा, एक मजबूर बाप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, और ये मैं हरगिज हरगिज नहीं होने दूंगा। What do you mean? I mean it, sir. गोपीनाथ जी को लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। You're not drinking? मैं पीता नहीं। Good boy. Have some soft drink. बेरा, अनिल साहब के लिए कुछ ठंडा लाओ। ये क्या बेरा साहब, आप इतना स्लो चलेंगे? It's not good. मेरा साहब के लिए डबल लाओ। Thank you. कभी कभी। विजय, ऐसा इंतजाम तो आज तक नहीं देखा। क्या ठाट है पार्टी के? ऐसा मालूम होता है कि किसी महाराजा की बेटी की शादी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेठ गोपीनाथ कम से कम 50 लाख के मालिक हैं। 50 लाख? अरे करोड़ों की बात करो। मुझे तो लगता है कि खुद सेठ जी को नहीं मालूम कि कितनी दौलत है उनके पास।
बेटी भी बड़ी किस्मत वाली है, सब कुछ उसी का तो है, ना भाई है ना बहन। माफ करना सेठ जी, आपके लिए छोटे सा का ऑर्डर नहीं है, दूसरे मेहमानों का ख्याल रखो। सॉरी। तो ख्याल है ये सेठ गोपीनाथ जी 50 लाख के मालिक जरूर होंगे। 50 लाख के मालिक, यहाँ कभी कभी 50 सेब खरीदने को पैसे नहीं होते, और ये 50 लाख की बातें कर रहे हैं। काश लगन का समय हो चुका है, पंडित जी दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं। महाराज साहब जी, आप अनिल को लेकर मंडप में चलिए, मैं रूपा को लेकर आता हूं। ठीक है, लेकिन गोपीनाथ जी कहाँ है वो नहीं दिखाई दे रहे। आप चलिए, मैं उनको देख कर लाता हूँ। चलो भैया, लगन से पहले मुझे कुछ कहना है। मेरा साहब, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं गोपीनाथ सेठ नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, फुटपाथ पर सेब बेचने वाला गोपीनाथ बाबा। ये क्या हो गया आपको, कैसी बातें शुरू कर दी? हाँ, सच कहने में कोई बुराई नहीं है मेरा साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे दिल पर एक बोझ है, जब तक बोझ हल्का नहीं होगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बंगला मेरा नहीं है, यहाँ की कोई भी चीज मेरी नहीं है, सब रंजीत का है, रंजीत की। न जाने कौन से जन्म का बदला चुका रहा है मुझसे। बरसों पहले भी इसी ने मुझे सहारा दिया था, अपने होटल के बाहर सेब बेचने के लिए जगह दी, और आज आज मेरी गरीबी पर पर्दा डाल रहा है ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए। मगर मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखूंगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई होटल नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई मिल नहीं है, मेरी जायदाद सिर्फ एक सेब बेचने का टोकरा है। हाँ मेरा साहब, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, अब आपकी मर्जी है, चाहे रूपा को बहू बनाए चाहे बारात वापस ले जाए। गुड गुड गुड, वेरी गुड। क्या बात है गोपीनाथ जी, क्या लंबा चौड़ा भाषण दिया आपने। कुछ और कहना बाकी हो तो कह लीजिए, लगता है आज आपने पूरी बोतल नहीं पी, वरना ये तो इससे भी लंबा लंबा भाषण देते हैं। दरअसल ये इनकी पुरानी आदत है, पीने के बाद कभी तो ये बंबई शहर खरीदने की बात करते हैं और कभी भिखारी हो जाए। मैं जानता हूँ मिस्टर रंजीत, यही तो इनका बड़प्पन है। हमारे यहाँ भी जब आए थे तो आगरे का ताजमहल खरीदना चाहते थे, कहने लगे कोई बेचता ही नहीं। क्या बात है सेठ जी। गोपीनाथ जी चलिए, लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप लोग चलिए, मैं रूपा को लेकर आता हूँ। ठीक है, आओ बेटा। जन्म भर झूठ बोलता रहा तो लोग सच मानते रहे, आज सच बोल रहा हूं तो कोई मानता ही नहीं। ओम गणानंदा गणपति बं हवामहे, प्रियानंदा प्रियपति बं हवामहे, मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं सच माने गोपीनाथ जी,
इस शादी से आपने मेरा सर और भी ऊंचा कर दिया है। मेरा साहब ऐसा ना कहिए, मैं इस काबिल नहीं। जीती रहो बेटी, जीती रहो बेटी। भगवान की सदा शुक्र। भाई सुनो, सुखी हो गए। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी। बाबा ऐसी बात मत कहो, रूपा मेरी बहन है, मैंने भाई का फर्ज अदा किया है। आओ आओ चल। खुशी साहब थैंक यू वेरी मच, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद रहूंगा। जवाहरात लेकर मैं अभी हाजिर होता हूँ। कमिश्नर साहब, ये जवाहरात, ये क्या मामला है? मामला कुछ ऐसा ही है, अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। सर सर, रंजीत ने हमें धोखा दिया, भाग गया। अबे सर, कमिश्नर साहब आपको ये सब तकलीफ उठानी पड़ी, मैं मजबूर था। अगर मैं इसका पीछा नहीं करता तो ये बैग लेकर भाग जाता और मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। लीजिए जवाहरात। इंस्पेक्टर रंजीत, ये सब क्या है? ये पुलिस, ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं बाबा। नुमाइश के जवाहरात की चोरी मैंने की थी। कमिश्नर साहब एक मिनट के लिए बाबा से बात कर सकते हो? अच्छा बाबा तुम आ गए, वरना एक बोझ मेरे मन पर रह जाता। बोझ? हाँ, कई दिनों से एक बात मेरी जबान पर आती थी लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, और अब
अब इसे छुपाने की मुझे ताकत नहीं बाबा। मगर बात क्या है बाबा? मैं एक बदनसीब आदमी हूँ। बचपन में मेरी शरारतों की वजह से लोग मुझे लोफर कहते थे, लेकिन एक दिन ऐसी ही एक शरारत का शिकार होकर मेरे भटके हुए कदम मुझे कहां से कहां ले आए और मुझे सचमुच लोफर बनने पर मजबूर कर दिया। लोफर? कौन कहता है तुम लोफर हो? मैं कहता हूँ, मेरा जमीर कहता है बाबा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरा गुनहगार? हाँ। मैं ही तुम्हारे मोहन के बचपन का वो साथी हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। मैंने तुम्हारे बेटे का खून किया था। मैं मोहन का खूनी हूँ। तुम मोहन के खूनी? रुक तो गए बाबा, और मारो, मैं इसी काबिल हूँ। चलो रंजीत। रंजीत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो बाबा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। नहीं बाबा। कमिश्नर साहब, एक बेटे को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, दूसरे को आप मुझसे जुदा कर रहे हैं। भगवान के लिए इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। आई एम सॉरी, ये मेरे अख्तियार के बाहर है। वैसे रंजीत की ईमानदारी देखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून इसके साथ ज्यादा से ज्यादा नरमी का बर्ताव करे और ये आप लोगों के पास जल्दी वापस लाए। बाबा, मेरे बाबा का ख्याल रखना।